العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله ليريكم يا مخاطبين بذلك من آياته إن في ذلك لآيات عبرا لكل صبار عن معاصي الله شكور لنعمه. وإذا غشيهم أي على الكفار موج كالظلل كالجبال التي تظل من تحتها دعوا الله مخلصين له الدين الدعاء بأن ينجيهم أي لا يدعون معه فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد متوسط بين الكفر والإيمان उमिन हम बान आलाफ़्री वमायदुब आया तना वमिन हल इनजा उमिन मऊजी अल्लुरा गद्दारन कफ़ूर क्या तुम इस पर गौर नहीं करते कि दरिया में कश्तिया अल्लाह के फ़ल से चलती रहती है ताकि ए मुखातबो इसके ज़रिए तुमको अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखा दे यकीन इसमें अल्लाह की मासीत से हर सब्र करने वाले और उसकी न्यामतों का शिक्र करने वाले के लिए इबरत की निशानियाँ हैं और जब उन पर यानी कुफ़ार पर मौजे ऐसे पहाड़ों के मानन छा जाती है जो हर उस शय पर जो उसके ज़ेर साया आ जाए साया फगन हो जाए तो नहायत ख़ालस एत के साथ अल्लाह ही से दुआ करने लगते हैं कि उनको गर्क से नजात दे यानी उस वक्त उसके साथ गैरुल्ला को नहीं पुकारते फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी की तरफ़ पहुंचा देता है तो कुछ उनमें से अतदाल पर रहते हैं, यानी कुफ़र और ईमान के की दरमिया राह इख्तियार करते हैं और बाद अपने कुफ़र ही पर बाकी रह जाते हैं, और हमारी नमतों का और उनमें दरियाई मौजों से नजात देना भी है सिर्फ वही इनकार करते हैं जो बदहद और अल्लाह की नमतों के ना शिक्रे होते हैं अज़ीज़ तलब कराम ये ख़ुदा की कुदरत और गायत हमत पर दूसरा इस्तेशाद है समुंदरों में कश्तियों का चलना ये भी उसके लुत्फ क्रम का एक मजहर और उसकी क़ुदरत तस्खीर का एक नमूना है उसने हवा और पानी को ऐसे मुनासिब अंदाज से रखा है कि समुद्र की सतह पर कश्तियाँ चल सकें वरना वो चाहे तो हवा की तंदी और मौजू की तगियनी से कश्तियों का चलना नामुमकिन हो जाए जब उनकी कश्तियाँ ऐसी तगियानी वाली मौजों में घिर जाती है जो बादलों और पहाड़ों की तरह होती है और मौज और मौत का आहनी पंजा उनको अपनी गिरफ़्त में लेता है लेता नज़र आता है तो फिर सारे ज़मीनी मबूद उनके दिमाग से निकल जाते हैं और सिर्फ़ एक आसमानी मबूद को बड़े अखलास और एहतिकात के साथ पुकारते हैं जो वाकई और हकीकी मबूद है फमिनहमसद बाज़ हज़रा ने मख्त के माना अहद को पूरा करने वाला किए हैं बाज़ लोग ईमान तोहेद और इताद के इस अहद पर क़ायम रहते हैं जो मौज गर्दाब में उन्होंने किया था यानी बाज लोग ईमान तोहद और इताद के उस अहद पर क़ायम रहते हैं जो मौजो गर्दाब में उन्होंने किया था उनके नज़दीक कलाम में हजफ होगा तकदीर कलाम यह होगी फमिन हम मुख्त वमिन हम काफिर तो उनमें से बा मोमिन और बाज काफिर होते हैं तफसर खाजिन में है कि मजकूर आयत हजरत इक्रीमा इबन अबी जहल के बारे में नाजिल हुई है इसका मुख्तर वाक़ इस तरह है कि फतेह मक् के दिन हज़रत इक्रीमा डर के मारे दरिया की तरफ भाग गए थे और एक कश्ती में सवार होकर राह फरार होने की फरार फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक कश्ती गर्दाब में फंस गई नजात की कोई सूरत नज़र न आई तो उस वक्त इकरीमा ने कहा कि अगर अल्लाह ताला हमको इस मुसीबत से नजात दे देते तो मैं मक्का जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दे दूँगा चुनाच हवा की तुंदी और मौजों की तयनी ख़त्म हो गई और कश्ती गदाब से निकल साहिल समुद्र पर आ गई चुनानच इकरीमा मक्का है और इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत खूब इस्लाम कबूल किया मस्कुरायत में हजरत इकरीमा को मतसद यानी अहद को पूरा करने वाला और वादे को वफ़ा करने वाला कहा गया है और बाद हजरत मुफसरन ने मत्सद के माना अतदाल पर रहने वाला किए हैं यानी इतने होलनाक हालात और वहाँ कुदरत ख़ुदाबंदी की इतनी अज़ीम आयात का मुशाहदा करने और अल्लाह के इस एहसान के बावजूद उसने गर्क होने से निजात दी इंसान अब भी अल्लाह की मुकम्मल इबादत नहीं करता और मुतवसित रास्ता इख्तियार करता है जबकि वो हालात जिनसे ये गुज़र कर आया है मुकम्मल बंदगी का तक करते हैं ना के अतदाल का शार जल्ला महली ने दूसरे मफहम को इख्तियार किया है मगर सियाक सबाक के अतबार से पहला मफहम राज है अगर मुफसर अल्लाह की के तफसिर के बजाय मतदिल से करते तो ज़्यादा मुनासिब होता फिल बहरी बिन अल्लाह अल-इज्जत फरमा रहे हैं कि इन अताह और बेपनाह जोश मारते हुए समुद्र पर इंसान जैसे खाक को कुदरत देना और इतनी व फहम से बहरावर कर देना कि वो लकड़ी के तख्तों को जोड़ जाड़ कर और उनमें कीले ठोंक ठाक कर और हवा भाप बिजली की क़वतों से काम लेकर छोटी बड़ी कश्तियाँ आबदोजें स्टीमर वग़ैरह तैयार कर सके और इनके ज़रिए हज़ारों मील का फासला तय करके बाहरी तजारत सियासत से अजीमशान फवाद हासिल करता है भारी भारी सामान लाद कर जहाज़ किस तरह समुद्र की मौजों को चीरता फाड़ता चला जाता है अजब नहीं कि जहाज़ की इस सारी दास्तान में ये तसु देना भी हो कि जब ये बाद बानी और दुखानी जहाज़ बग़ैर किसी रहर माविन ड्राइवर या पायलट के बग़ैर नहीं चल सकता और मंझधारों से सलामत नहीं निकल सकता तो कायन का इतना अजीम जहाज़ बग़ैर किसी चलाने वाले के कैसे वजूद में आ गया और कैसे चल रहा है और हवा का तला तुम कौन बपा करता है और भवर के थपेड़ों से बचाकर उसे गोदी की तरह कौन ले जा रहा है क्या इसमें तोहीद की सदा बलन नहीं हो रही है सुना है कि इमाम आजम ने वहदानियत पर यही दिलनशी इस्तदलाल पेश किया था और मुखालिफिन को मबहूद बना दिया था इंसान गौर करे जब पहाड़ जैसे तूफ़ान उठ रहे हों और जहाज़ भंवर की लपेट और पानी के थपेड़ों में आ गया हो तो किस कदर सब्र तहमुल का वक्त होता है और इस हयात की कशमकश के बाद जब सलामती से किनारा और साहिल पर लग जाए तो किस दर्जे मकाम शुक्र होता है समुद्र में तूफानी के वक्त पानी की मौजे पानी की सतह से गर्दन ऊँची करके जब कश्तियों जहाज़ों पर थपेड़े मारती हैं तो यही मालूम होता है कि बदलियाँ छा गई क़ज़ुलली कज्जुलशी अल्लाह रब्बुल रब्ज़त ने क़ज़ुलली फ़रमाकर कुरान ने सारा मंजर निगाहों के सामने कर दिया तजुलली फरमा कर क़ुरान करीब ने सारा मंजर निगाहों के सामने कर दिया पहले दलाइल शवाहिद से अल्लाह का एक होना और उसके ख़िलाफ़ सब बातों का झूठा होना बतलाया था यहाँ ये बतला दिया कि तूफ़ानी मौजों में घेर कर कट्टर से कट्टर मशर्क भी बड़ी अकीदतमंदी और अखलास से अल्लाह को पुकारने लगता है मालूम हुआ कि इंसानी ज़मीर और फितरत की असली आवाज़ यही है बाकी सब बनावट और ढकोसले है इसे उसे कोई इख्तियार से नहीं मानता तो वो जबर से ख़ुद मनवा लेता है उसे कोई इख्तियार से नहीं मानता तो वो जबर से ख़ुद मनवा लेता है मगर असल मानना इख्तियार ही से है मगर इंसान है बड़ा ही ना शुक्र अभी थोड़ी देर पहले तूफ़ान में गिर कर जो कौल करार अल्लाह से किए थे बच निकलने के बाद सब से फिर गया कुछ दिन भी इस पर असर न रहा और भूल भाल गया अल्बत्ता कुछ ऐसे भी होते हैं कि थोड़ी बहुत उनमें तब्दीली आ जाती है वरना अक्सर जू के तू रहते हैं और तूफ़ान के वक्त जहाज़ के मुसाफिरों में जो अफरा तफरी हुआ करती है कि हर एक अपनी जान बचाने की फ़िक्र में रहता है दूसरों की फ़िक्र नहीं होती

उसको कहते हैं कि जो जान बूझ करना शुक्री करता हो मुक्तसिद के माना मुतवसिद और मतदिल के हैं मतलब ये है कि जब तूफ़ान से नजात पाकर खुशकी पर आ गए तो जो हाल खौफ के वक्त था वो तो किसी का बाकी ना रहा अलबत् बाजे ऐसे होते हैं कि अगरचे उस हालत पर ना रहे मगर बिल्कुल भूल भी नहीं जाते ऐसे कम है कि नजात पाने के बाद उनके शर में जरा कमी आ जाती है और अक्सर तो ऐसे होते हैं कि दरिया से निकलते ही शरारतें शुरू कर देते हैं बाजा कहते हैं कि मुख्त के माना यह हैं कि नजात पाने के बाद सीधी राह पर आ जाता है और कुफर शिरको को छोड़ देता है और इस हालत में और उस हालत में जो दुआ की थी और खुदा से जो तोहद का अहद किया था नजात पाने के बाद उस पर क़ायम रहता है जैसा कि हजरत ने अभी जहल लेकिन ऐसे बहुत कम है और अक्सर वो है जो नजात पाने के बाद फिर मश्रक मनकर हो जाते हैं गर्ज यह कि मख्त के दो माना है एक तो ये कि नजात पाने के बाद उसके कुफ्र और शिरक में कमी आ गई और एक माना यह है कि नजात पाने के बाद सीधी राह पर तो आ गया मगर अखलास और आमाल साल में कुछ कमी रही ऐसा शख्स मुख्तद है और जो शख्स ईमान लाने के बाद आमाल साह में बरक़ रफ्तार हो जाए वह सबक बिलखैरत है और जो शख्स नजात पाने के बाद सबक और जो शख़्स नजात पाने के बाद हसब सब फ़िरक फ्र शिरक पर उतर आए तो वह जॉली मुली और ख़तार और कफूर है उसमी महमद وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله